नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस जो कि चीन से शुरू हुआ, वहां पर एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुका है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे एक इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और अब जो कि भारत के अंदर भी दस्तक दे चुका है, दिल्ली में भी कुछ इसके केसेस, शायद 2 या 3 इसके केसेस पाए गए हैं, तो जिसकी वजह से आज पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ज्यादा डर का माहौल है। तो इससे संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, उनका मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेडोट्रिक्स। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दो छोटे मोटे सावधानियां बरतकर ही आप इससे बचे रह सकते हैं। तो क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, एक एक करके हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों, आपको सभी से बचने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको 2 ही कंडीशन में कोरोना वायरस अफेक्ट कर सकता है। नंबर एक, या तो आप उस देश में गए हो जहां पर वो कंट्री अफेक्टेड है, जैसे कि चाइना। क्या आप चाइना जाते हैं, तब आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। नंबर दो, क्या आपका कांटेक्ट, क्या आपका संपर्क ऐसे लोगों से है जो कि चाइना से आते हैं या चाइना से आए हैं, तब भी आपको एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, क्या पब्लिक प्लेस में जाए तो मास्क पहनकर जाएं या फिर कहीं भी जाएं तो ना मास्क पहन के जाएं। देखिए दोस्तों, आपको अगर कोरोना वायरस ने अभी तक टच नहीं किया है, ऑब्वियस है अभी तक आपको टच नहीं किया है क्योंकि सिर्फ 2-3 केसेस ही भारत के अंदर पाए गए हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आपको मास्क पहनने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी बेसिस पर आप चाहें तो पहन सकते हैं, लेकिन उसको पहनने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर आपको कोरोना वायरस ने अफेक्ट नहीं किया है तो। मास्क पहनने का एक और थोड़ा नुकसान होता है साइकोलॉजिकल, वो ये कि आप सोचते हैं अब तो मैंने मास्क पहन लिया और अब मैं पूरी तरह से सेफ हूं। तो इसमें क्या होता है कि हाथ के द्वारा आप फिर कहीं भी कुछ भी टच करने लग जाते हैं, यानी आप थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं कि अब तो मैंने मास्क पहन लिया, मुझे कुछ नहीं होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी इंफेक्शन जो है वो आपको हाथों के द्वारा लगता है, तो आप हाथ की तरफ से लापरवाह ना हुए अगर आप मास्क इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन कोरोना वायरस के केस में आपको मास्क जबरदस्ती पहनने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको एक्सपर्ट्स और एम्स के डॉक्टर्स जिस तरह से बता रहे हैं, तो उनके आधार पर मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या इसका कोई खास लक्षण है। दोस्तों, इसका कोई खास लक्षण नहीं है, इसमें वही सर्दी जुकाम बुखार खांसी होता है। ये जैसे आपको कोई भी इंफ्लुएंजा होता है, कोई भी फ्लू लगता है, मौसम बदलने से कोई भी किसी तरह का इंफेक्शन लगता है, तो जैसे उसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, ठीक उसी तरह से कोरोना वायरस के भी लक्षण है। इसका अपना कोई खास लक्षण नहीं है जिसे पहचान कर आप कह सके कि ये कोरोना वायरस है। जब आपको किसी भी तरह का इंफेक्शन लगता है तो आप नॉर्मल डॉक्टर में जाते हैं और फिर जिस तरह से आप दूसरे सर्दी जुकाम बुखार खांसी का इलाज कराते हैं, इसी तरह से इसका भी होता है। अगला सवाल, क्या इसकी एंटीडॉट बनाई जा चुकी है। अभी तक इसकी एंटीडॉट नहीं बना है, अभी तक इसके लिए कोई ऐसा एंटीबायोटिक लेने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो इसके सिम्टम्स हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी वगैरह, इन सिम्टम्स का ही इलाज किया जाता है। उसको खत्म करने के लिए अभी तक कोई एक स्पेसिफिक एंटीडॉट या कोई मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण कि भाई इससे बचा कैसे जाए। दोस्तों, बहुत ही जानलेवा खतरनाक बीमारी है, हमारे देश में अभी इसकी सिर्फ एंट्री ही हुई है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी एहतियात बरतें, थोड़ी सावधानी बरतें, तो हम इससे बहुत ही ज्यादा आसानी से बच सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको सिर्फ 2 ही बहुत आसान से काम करने हैं। नंबर 1, आपको दिन में कई बार हाथ धोने हैं। अब ये भी सवाल आता है कि क्या साबुन से हाथ धो सकते हैं या फिर हमें सैनिटाइजर से ही हाथ धोने हैं।
देखिए, अगर आपको देखकर लगता है कि आपके हाथ गंदे हैं, जिसको बोलते हैं विजिबली, अगर आपके हाथ गंदे हैं, हाथों पर कुछ भी लगा हुआ है, काले पीले हो रहे हैं या डस्टी हो रहे हैं कुछ भी, तब आपको साबुन से हाथ धोने चाहिए। लेकिन अगर आपके हाथ धुले हुए हैं, साफ हैं, और उसके बाद अगर आप हाथ धोना चाहते हैं, तो फिर आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आप अपना कहीं भी बाहर हाथ धो सकते हैं। और सैनिटाइजर्स का ये फायदा होता है कि आप उसको अपनी जेब में रखकर कहीं भी घूम सकते हैं, और उससे आप कहीं भी अपने हाथ धो सकते हैं, आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो सैनिटाइजर्स है, ये आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पर मिल जाते हैं, और आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, कई दुकानों पर तो मिल भी नहीं रहे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपको करना है कोरोना वायरस से बचने के लिए है, और वो है नमस्कार। जी हाँ, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप अपनी वीडियो में नमस्कार क्यों करते हो। दोस्तों, ये सबसे बढ़िया तरीका है अभिवादन करने का, अभिनंदन करने का। ये जो वेस्टर्न कंट्री का ट्रेंड चला हुआ है हमारे देश में हैंडशेक करने का, दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप किसी से भी हैंडशेक करते हैं, किसी से भी हाथ मिलाते हैं, तो ये जान लीजिए कि आप उसके हैंडशेक नहीं कर रहे, आप उसका इंफेक्शन अपने पास ले रहे हैं। तो इस कोरोना वायरस की ही वजह से, लेकिन आप नमस्कार करना सीख लीजिए। किसी से भी हैंडशेक मत कीजिए, किसी से भी, आप सिर्फ हाथ जोड़िए। देखिए हमारी संस्कृति के अंदर कितना बढ़िया है ये। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा हाई साइंटिफिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है 100% तरीके से। अगर आप जानते हो या शायद ना भी जानते हो, आपकी ये जो हथेली होती है, इस पर आपकी बॉडी के जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, उन सब के ना ट्रिगर पॉइंट्स आपके हाथ पर ही होते हैं, हथेली पर ही होते हैं। तो जब आप किसी से इस तरीके से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स प्रेस होते हैं। जब ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स प्रेस होते हैं, तो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स, इंक्लूडिंग दिमाग भी, आपके सारे के सारे ऑर्गन्स खुद और अच्छे से काम करने लगते हैं। तो अगर आप इस तरह से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, तो आप सामने वाले का किसी भी तरह का इंफेक्शन नहीं लेंगे, आप बच जाएंगे, और प्लस आप खुद को इस तरह से और सेहतमंद बनाएंगे। अब सोचिए आप दिन में कितने 10, 20, 50 बार लोगों के साथ हैंडशेक करते होंगे और उनका इंफेक्शन लेते होंगे। तो इससे बढ़िया है कि उतनी ही बार आप खुद अपने ऑर्गन्स अच्छे से चलाइए, उनको अच्छे से। तो ये एक्यूप्रेशर के अंदर भी किया जाता है। और दूसरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने हाथों से अपनी आंखें, अपने नाक और अपने मुंह को टच नहीं करना है। इन शॉर्ट, आपको अपने हाथों से अपने चेहरे को टच नहीं करना है। 1% आप मान भी लीजिए, अगर आपके हाथ पर इंफेक्शन आ भी गया, तो भी वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा अगर आपने अपने चेहरे को टच नहीं किया है। तो अगर आप लोगों से हैंडशेक नहीं करेंगे, दिन में कई बार अपने हाथ धोते रहेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है साबुन या सैनिटाइजर उससे, और तीसरा आप अपने चेहरे को हाथों से टच नहीं करेंगे, तो आपको कोरोना वायरस नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से थोड़ी सी नॉलेज, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोग स्वस्थ बने रहें और ये जो एक बड़ी खतरनाक बीमारी है हमारे देश में ना आ सके, लोगों को अफेक्ट ना कर सके। अगर आपको फायदेमंद लगी है तो मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी देशवासी हैं और पूरे विश्व भर के अंदर सभी स्वस्थ रहने चाहिए, यही मेरी कामना है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।